हेलो चिल्ड्रेन, हाउ आर यू चिल्ड्रेन? आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस बुक। पेज नंबर 27 ओपन करिए। चिल्ड्रेन, आज हम पढ़ेंगे लेसन का नाम बेटा फूड वी ईट। हम लोग जो भोजन खाते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फूड वी ईट, फूड मीन्स होता है बेटा भोजन, ठीक है। वीट, हम लोग जो खाते हैं भोजन उसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, ठीक है। वी नीड फूड टू लीव, हम लोग को जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत है। वी ईट फूड टू ग्रो, हम लोग भोजन से बढ़ते हैं, जो भोजन खाते हैं उससे हमारे ग्रो मीन्स बढ़ना, बढ़ते हैं बेटा। वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड्स, हम लोग वैरायटी में तरह तरह की वैरायटी के भोजन खाते हैं, ठीक है। फूड जो हम लोग भी खाते हैं बेटा, फूड क्यों जरूरी होता है? हमारी हमें जिंदा रहने के लिए फूड जरूरी होता है, और हमारे बढ़ने के लिए, हमारा जो ग्रोथ है, अगर हम अच्छी डाइट फूड लेते हैं तो हमारा अच्छी ग्रो होता है, और हम लोग जो तरह तरह की वैरायटी के फूड लेते हैं। तो फूड में बेटा जानेंगे कि जो खाना हम लोग खाते हैं क्या चीज है फूड में, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या कौन कौन से फूड हैं जो हम लोग खाते हैं। ओके, तो हम लोग को भोजन किससे जरूरत है? हम लोग को जिंदगी जिंदा रहने के लिए भोजन की बहुत जरूरी होता है बेटा, और हम इससे भोजन खाने से बढ़ते भी हैं। जैसे अगर आपको खाना नहीं दिया जाएगा उन खाने को, तो आपको अच्छा लगेगा एक दिन दो दिन, तो ऐसे हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे बेटा अगर हम भूखे भोजन नहीं करेंगे तो। इसलिए भोजन से ही हम जो खाना खाते हैं, तो हम जो हम भोजन करते हैं उससे हमें जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी होता है भोजन, सांस लेने के लिए, और उसी से हम उस भोजन से ही हम बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग तरह तरह के भोजन खाते करते हैं। वी ईट ए वैरायटी ऑफ फूड्स, हम लोग तरह तरह के वैरायटी के भोजन करते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन से फूड्स हम लोग जो खाते हैं। फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स, फल, फल को खाते, फलों को खाते ना बेटा, कई तरह के फल, एप्पल खाते हो, मैंगो खाते हो, बनाना खाते हो, ऑरेंज खाते हो, ये सब किस खाते हो, जिससे आप इससे आपको ग्रो होता है, आप बढ़ते हो, आप लाइफ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स, सब्जियां खाते हैं हम ढेर सारी, पोटैटो, ऑनियन, टमाटो, कैर, सारी सब जो भी सब्जियां हैं हम खाते हैं बेटा भोजन में अपने। मिल्क, MILK मिल्क, दूध पीते हैं। BOILED, बॉयल एग्स, उबले हुए अंडे। BUTTER, बटर। CHAPATIS, चपाती, रोटी, रोटी खाते हो ना बेटा। तो ये बताया जाए कि तरह तरह के जो भोजन करते हैं हम उसके बारे में बताए कौन कौन से भोजन हम करते हैं। OMELET, ऑमलेट। JM, जैम। BREAD, ब्रेड। DL, दाल। RICE, राइस। डोसा, वड़ा, इडली। मीट, फिश। बेटा ये तरह तरह के फूड्स के नाम हैं जिसे हम लेते हैं। बहुत से लोग मीट नहीं खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फिश भी नहीं खाते बहुत से लोग, लेकिन बहुत से लोग खाते भी हैं बेटा। तो ये जो फूड जो हम लोग खाते हैं इससे उनको ग्रो होता है, एनर्जी मिलती है, और हम लाइफ हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है फूड। ओके, तो हम हमारे लिए भोजन क्यों जरूरी है? जिंदा रहने के लिए जरूरी है, हमारे बढ़ने के लिए जरूरी है, और हम लोग किस तरह के भोजन खाते हैं? तरह तरह के भोजन खाते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, राइस, ब्रेड, चपातीस खाते हो ना बेटा, और फिश, ऑमलेट, कुछ भी एक खाते हो, मिल्क लेते हो, जैम, जूस, ये सब वैरायटी है फूड की, तरह तरह के भोजन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा बेटा कि हमने क्यों खाना खाना चाहिए, भोजन क्यों खाते हैं हम, उससे क्या हमें फायदा है, और कितने तरह के और तरह तरह की जो वैरायटी होती है फूड्स की, उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए बेटा, पेज नंबर 28। चिल्ड्रेन, लिखा ईटिंग टाइम, खाने का एक समय होता है कि हमें किस टाइम कौन सा खाना खाना चाहिए। पढ़ते हैं, वी ईट एट डिफरेंट टाइम्स ऑन द डे, हम लोग खाना जो है अलग अलग समय पर खाते हैं। तो हमने यही पढ़ना है इसमें कि हमने कौन कौन समय पे खाना खाते हैं। मिल्क इन द अर्ली मॉर्निंग, हम लोग सुबह में क्या खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, दूध लेते हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट नाश्ता बोलते हैं बेटा, मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट लेते हैं।
टिफिन एट लंच ब्रेक एट स्कूल, टिफिन लेके आते हो ना, लंच ब्रेक जब होता है आपको स्कूल में तो आप खाते हो ना लंच। इन द आफ्टरनून और दोपहर में जब आप घर जाते हो तो आपको मम्मी खाना खिलाती है ना, वो लंच है आपका, ठीक है। स्नेक्स इन द इवनिंग, और स्नेक जो हम लोग शाम में खेलते हैं 5-6 बजे, आप मम्मी से कहते मम्मी बहुत जोर की भूख लगी है, वही स्नेक्स है बेटा। स्नेक्स में आप क्या खा, स्नेक्स टाइम है, स्नेक में क्या खाते हो, चिप्स खा लेते हो, कुछ मम्मी दे देती है बर्गर खा लेते हो या कुछ समोसा खा लेते हो, ये स्नेक्स होगा बेटा, ठीक है। डिनर एट नाइट, रात के खाने को क्या बोलते हैं, डिनर। हम लोग रात में खाना खाते हैं ना, वो डिनर कहलाता है। इट एट ए फिक्स टाइम, सभी खाने का एक फिक्स टाइम होता है बेटा। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बेटा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम लोग जो खाना खाते हैं, वी इट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, पूरे दिन में हम लोग तरह अलग अलग समय पर हम लोग खाना खाते हैं। मिल्क सबसे पहले पीते हैं मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं सुबह में, फिर टिफिन हम कब खाते हैं बेटा, जब लंच ब्रेक होता है स्कूल में तो हम लोग टिफिन करते हैं। लंच इन द आफ्टरनून, जब हम लोग दोपहर में हम लोग जब स्कूल से आप घर जाते हो तो आप लंच करते हो ना, मम्मी खाना खिलाती है ना, वो लंच टाइम हुआ बेटा। स्नैक्स इन द इवनिंग, और शाम में हम लोग स्नैक खाते हैं। लंच बेटा आप घर पे हो तो अगर संडे के दिन आप स्कूल नहीं जाते तो मम्मी खाना खिला देती है, बार 1 बजे तक या 12 बजे तुम्हें भूख लगती है तो खा लेते हो, और स्कूल में रहते हो तो तुम पहुंच ही जाते हो, 2 बजे तक पहुंच जाते हो तो खाते हो ना बेटा, वो तुम्हारा लंच टाइम है क्योंकि वो टाइम फिक्स हो गया तुम्हारे लिए कि उस टाइम तुम पहुंचोगे तो उस टाइम तुम्हें खाना खाना है, तो वो क्या लंच टाइम हो गया। स्नैक इन द इवनिंग, और शाम में क्या खाते हो, स्नैक खाते हो, कुछ चीज खा लिए, कुछ भी समोसा वगैरह, ये स्नैक कहलाते हैं बेटा, ठीक है। इवनिंग में शाम, डिनर कब करते हो, डिनर एट नाइट, नाइट मीन्स रात, डिनर हम लोग कब खाते हैं, रात में खाते हैं। ईट एट ए फिक्स टाइम, हर खाने का एक फिक्स टाइम होता है। इस चैप्टर बेटा हमने क्या पढ़ा है, ईटिंग टाइम बताया मैंने कि हम बिल लिख लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच ब्रेक होता है स्कूल में वो खाते हैं, लंच होता है आफ्टरनून में, फिर स्नैक होता है इवनिंग में, फिर डिनर हम रात में लेते हैं। ये बेटा इस चैप्टर हम ये आप जान गए होंगे कि हम कौन सा मील कौन से टाइम लेते हैं, ठीक है, और क्या बोला जाता है, जो सुबह में हम खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और टिफिन जो हम स्कूल में खाते हैं वो लंच ब्रेक होता है, और आफ्टरनून में जो हम खाते हैं दोपहर में जो खाते हैं वो लंच होता है, और स्नैक जो खाते हैं शाम में वो स्नैक टाइम बोला जाता है, स्नैक्स बोला जाता है जो इवनिंग में हम खाते हैं बेटा। डिनर हम क्या कब खाते हैं बेटा, रात में खाते हैं। पेज नंबर 29 ओपन करें बेटा। चिल्ड्रेन, यहाँ लिखा है गुड ईटिंग हैबिट्स, खाने की अच्छी आदतें, ठीक है, पढ़ते हैं इसे। गुड ईटिंग हैबिट्स हेल्प अस कीप हेल्दी, जो हमें खाने की अच्छी आदतें हमें स्वस्थ रखती हैं। फर्स्ट है वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। ईट इन ए क्लीन प्लेट, हमें साफ बर्तन में खाना चाहिए। ईट फ्रेश होममेड फूड, हमें घर का बना फ्रेश खाना खाना चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यू द फूड वेल, हमें खाने को धीरे धीरे चबा के अच्छी तरीके से खाना चाहिए भोजन को। डू नॉट ईट टू लिटिल, हमें थोड़ा सा नहीं खाना चाहिए। डू नॉट ओवर ईट, हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जैसे आपको भूख लगी है और आपको पेट भर गया है मतलब खाने खाए नहीं फिर भी आप खाए जा रहे हो तो ओवर ईट हमें नहीं खाना चाहिए। ईट फ्रूट्स वॉश देम बिफोर ईटिंग, और हमें खाने से पहले फलों को धोना चाहिए। डू नॉट वेस्ट फूड, हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, भोजन को नहीं बर्बाद करना चाहिए बेटा। हमने इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ा है कि हमें फूड क्यों जरूरी होता है, हमें फूड जिंदा रहने के लिए जिंदगी का जीवन में फूड हमारा बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम उसी से जिंदा रहते हैं बेटा, और हमें उससे हम उससे बढ़ते हैं, और फूड की वैरायटी हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे बेटा कि फूड कौन कौन से टाइम में लिया जाता है, और नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा है कि ईटिंग हैबिट गुड है ईटिंग हैबिट्स क्या है, तो आप जान गए गुड ईटिंग हैबिट्स क्या है। अपने खाने को खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए, खाना साफ बर्तन में खाना चाहिए, खाना घर का फ्रेश खाना चाहिए, भोजन को धीरे धीरे और चबा के खाना चाहिए अच्छी तरीके से, थोड़ा सा नहीं खाना चाहिए, खाना इतना भी नहीं खाना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है, और फलों को खाने से पहले धो लेना चाहिए और खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। चिल्ड्रेन पेज नंबर 30 ओपन करिए। चिल्ड्रेन, मैंने यहाँ पे CW लिखा है, डेट डाला है 31 month 10 year 20। टिक व्हाट यू मस्ट हैव एवरी डे, हमें क्या प्रतिदिन लेना चाहिए, ब्रेड बटर हम ले सकते हैं बेटा, मिल्क, वाटर,
देखिए पूरी थाली है बेटा, राइस है, चपातीज है, वेजिटेबल्स है, सलाद है, ये भी हमें खाना चाहिए, बॉयल एग, पॉपकॉर्न, वेजिटेबल एंड फ्रूट। हमने इस पे टिक कर दिया बेटा। ये जो है हेल्दी फूड है, इसे आप खाओगे ना स्वस्थ रहोगे। जैसे आप बर्गर खाते हो तो वो भी नुकसान करता है, समोसा कभी कभी खाना चाहिए बेटा। ये जो हम लोग जो रोज लेने की, जो हम एवरी डे लेते हैं, उसके लिए कौन कौन सा भोजन, ब्रेड एंड बटर, मिल्क, वाटर, वाटर भी बहुत जरूरी है बेटा पीना। ये राइस, ब्रेड, चपातीस, वेजिटेबल्स, ठीक है, सलाद वगैरह को लेना चाहिए, बॉयल एंड एग लेना चाहिए, पॉपकॉर्न भी खाना चाहिए स्नैक टाइम में, और वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी लेना चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन, इसी तरह अपनी बुक पे टिक करेंगे कि चिल्ड्रन इस तरह से आप अपने बुक पे टिक करेंगे बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन। इसी तरह से